अगर हम किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में उससे जुड़ी हुई कहीं ना कहीं अच्छी मेमोरीज़ बार बार खुद को हम रिमाइंड करवाते हैं, बार बार खुद को रिकॉल करवाते हैं, तो फिर हम उसके नज़दीक जाने लगेंगे, उसके पास जाने लगेंगे। और किसी भी जगह से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी इंसान से रिलेटेड अगर हम बैड मेमोरीज़ खुद को रिकॉल करवाते हैं, या वो जो जुड़ी हुई गंदी मेमोरीज़ हैं या जो गंदे एक्सपीरियंसेस हैं वो हम खुद को बार बार याद दिलाते हैं, या आपकी मेंटेलिटी बन जाएगी कि यार वो इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए अ बिग नो टू द स्पेसिफिक पर्सन। वैसे ही किसी एक इंसान के साथ है, जब आप खुद के मन को समझाते हैं बार बार कि यार सामने वाला इंसान, उसने तो मेरी कभी इज्जत की नहीं, उसने कभी समझा नहीं, उसके अंदर इतनी टॉक्सिसिटी थी, कभी ढंग से बातचीत भी नहीं करी और एक पूरा मेरा टाइम वेस्ट निकल गया। और ऑन द अदर हैंड आप जो है खुद के मन को समझाओ कि यार जैसा भी था तो इंसान ही, थोड़ी बहुत बातचीत तो हो ही जाती थी, थोड़ा बहुत कंसर्न तो दिखाता ही था, इस तरीके से खुद को समझाना स्टार्ट करेंगे तो आपका मन करेगा चल बढ़िया बिस्तर उठा के चल उसके पास। इसीलिए खुद को बार बार हमको रिमाइंड कराना है उन गंदे एक्सपीरियंसेस को, उन गंदी मेमोरीज को जो उस इंसान से जुड़ी हुई है, तो हमारा मन धीरे धीरे खुद को डिटैच करने लगेगा, खुद को डिस्टेंस मेंटेन कराने लगेगा। क्योंकि मन को चाहिए क्या, मन को अल्टीमेटली चाहिए सुख, प्लेजर, अच्छे एक्सपीरियंसेस। अब इसको आप समझाओगे कि वहाँ से कुछ तो वैसा रहा नहीं, कुछ वैसा मिला नहीं, जब अभी तक नहीं मिला तो अगर हम जाते भी हैं तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वही गंदी जो है चीज़ें, गंदे एक्सपीरियंसेस और वही गंदा बर्ताव, गंदा बिहेवियर, गंदे तरीके से बातचीत करना, डिसरिस्पेक्ट करना, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं समझना, एज एन ऑप्शन ट्रीट करना, तो आपका मन समझ जाएगा कि इस प्रपंच में पढ़ना ही नहीं, फिर इस कीचड़ में, इस चीज में फिर पढ़ना ही नहीं, खत्म करो इस चीज को। तो आपका मन ही आपसे बोलेगा कि नहीं, इनफ इज इनफ, अब मेरे को आई जस्ट डू नॉट वॉन्ट दैट पर्सन इन माई लाइफ। तो एक बार जब मन का डिसीजन हो जाएगा कि हाँ नहीं चाहिए वो इंसान, तो नहीं चाहिए, क्योंकि मन से इंसान अटैच होता है, मन से ही इंसान डिटैच होता है। और एक बारी किसी से डिटैचमेंट हो जाती है ना, भले आज आप किसी इंसान के लिए रो रहे हैं, अटैचमेंट है, लेकिन एक बार जब डिटैचमेंट हो जाती है इंसान को, एक बार जब इंसान डिटैच हो जाता है तो फर्क ही नहीं पड़ता है, सामने वाला रोए, सामने वाला परेशान हो, सामने वाला इंसान डिप्रेस्ड हो रहा है, लेकिन मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि हम डिटैच्ड हो चुके हैं।